हेलो एवरी वन एंड हाई ऑल द वी स्मार्ट स्टूडेंट आउट देयर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स आउट देर आई एम चार्ट अकाउंटेंट पवन कहूकर एंड टूडे वी गुआस ऑफ सी ए फाउंडेशन का जो सब्जेक्ट है हमारा यस गाइस सी ए फाउंडेशन में वी हैव फोर सब्जेक्ट अकाउंट्स बी सी आर लॉ लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बी सी के मोर अबाउट पेपर फोर बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में एग्जाम के, और और के लिए हमें इकोनॉमिक्स कैसे प्रिपेयर करना है अगले तीन महीनों में हम लोग ये डिस्कस करने वाले है राइट सो गाइस लेट्स मूव स्ट्रेट टू द पॉइंट वेन वी टॉक अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस okay? साइकिल एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है तो उसको काफी लोग कंसिडर ही नहीं करते बट या इन टोटालिटी नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट्स एंड बिजनेस साइकिल्स तो थोड़ा सा हर हर चैप्टर को कितना वेटेज देना है हमने आप uh, ये डिस्कस कर लेते हैं वे टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स 10 टू 12 मार्क्स पिछले चार एग्जाम्स में 10 टू 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आए चैप्टर नंबर 1 पे टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई 12 टू 16 मार्क्स चैप्टर नंबर 2 ने केडर किए थोड़ा सा ठीक है थोड़ा सा इसमें वायटलिटी बढ़ जाती है क्वेश्चंस भी थोड़े बढ़ जाते हैं इट्स अ बिग चैप्टर ऑफ दिस इकोनॉमिक सिलेबस फॉलोड बाय थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट 10 टू 12 मार्क्स अगेन

अगले तीन महीनों में अगले नब्बे दिनों में अगले लगे कैसे पढ़ाई करें इस सब्जेक्ट की हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं ठीक है थीके? मैं वी स्मार्ट के चैनल पे आपका आपके रिविजन सेशन लूंगा अराउंड ट्वेंटी आवर्स की मैं आपकी क्लासेस लूंगा बिजनेस इकोनॉमिक्स की जहां पे जो डिफिकल्ट एरिया है स्टूडेंट्स को समझने के लिए हम लोग स्पेशली वो हाईलाइट करेंगे आप लोग एग्जाम प्रिपेयर हो जाओगे डोंट वरी सर बिजनेस इकोनॉमिक्स को हर दिन के स्केड्यूल में कितना समय देना देखो वेन इट कम्स टू सी एंडेशन देर सब्जेक्ट आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स को लगभग हर दिन यू हैव टू रेगुलरली यू शुड गिव 40 टू 45 फाइव मिनट्स आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स को देने ही चाहिए रेगुलर की बात कर रहा हूं मैं आप हर दिन पढ़िए हफ्ते में पांच दिन का स्केड्यूल पांच दिन आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स को देने ही देने हैं इस बात पे आप ध्यान रखिएगा रेगुलरिटी आप सीए जब पढ़ते हो आप जब सेल्फ स्टडी करते हो तो आप सारे सब्जेक्ट्स के कितने रेगुलरली टच में हो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक महीना में अकाउंट्स पढ़ूंगा एक महीना में मैथ्स पढ़ूंगा गाइस दैट वर्क नो गाइस आपको टाइम टेबल में इनकोपोरेट करना है पूरे हफ्ते में आपके चारों सब्जेक्ट टच होने ही होने चाहिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा ठीक है ऑल्सो ऑल्सो क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम है तो हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं इस एग्जाम को कि ये एग्जाम तो इजी ही होगा गाइस नो 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 ये गलती मत करिए एमसीक्यू एग्जाम है इसलिए एग्जाम इजी हो जाएगा ऐसा मत मानिए क्योंकि आपके गलत आंसर पे पॉइंट टू फाइव का नेगेटिव मार्किंग भी है सो so, तुक्केबाजी नहीं चलेगी इस एग्जाम में हाल फिलहाल इकोनॉमिक्स पे आते हैं वापस मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया मार्किंग स्कीम बता दी अब हर चैप्टर के लेके थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स रेलेटिव स्केल पे दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर ऑन अ नोट दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर इसके अंदर देर आर टू यूनिट्स ठीक है यूनिट वन डेफिनेशन दी है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स दिया है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें ज्यादा डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ा के आपको नहीं दे सकते ठीक है एंड देन यूनिट टू ऑफ फर्स्ट चैप्टर बेसिक प्रॉब्लम हाउ डिफरेंट इकोनॉमी सॉल्व देयर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इस पे वी विल थ्रो लाइट एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इन सॉल्विंग द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी ये हमें जानना है कि एक्चुअली इकोनॉमी में problems आती है, उसके प्रॉब्लम के लिए हमारा subject या हमारे subject के content कैसे जिम्मेदार है, ये हम लोग पढ़ने वाले। क्योंकि आप आप बनोगे, बनोगे बनोगे क्या बनोगे क्या चार्ट अकाउंटेंट एट द एंड डे आप बनेंगे अकाउंटेंट और हम है प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हम है हमारी कंट्री के हम लोग हमारी इकोनॉमी के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले इकोनॉमिक्स हमें आना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो चाहे उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करता है और बिजनेस चलता है थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से ठीक है ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया है, इसकी मार्किंग स्कीम में भी इंपॉर्टेंस ज्यादा है चैप्टर की और कंटेंट uh, वाइज भी ये चैप्टर बढ़ा है सप्लाई सप्लाई एक पार्ट है तो गाई एक अच्छी खबर यह है कि इवन इफ द चैप्टर इज ह्यूज अगर आपने डिमांड अच्छे से केटर कर लिया तो सप्लाई उसका रेसिप्रोकल होता है तो सप्लाई ज्यादा स्ट्रेसफुली पढ़ने की जरूरत नहीं होती अगर डिमांड आपका रेडी है तो सप्लाई आपका रेडी हो जाता है इट इज नॉट अ बिग डील देन ठीक है सो गाइस या एक आधा पार्ट इस चैप्टर का अगर अच्छे से पढ़ ले हमारा तो नेक्स्ट हाफ हमारे लिए काफी आसान हो जाता है और जो लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी है इस पे जो questions है, पे जो आते आते हैं हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व हम लोग हमारे रिविजनरी सेशन में इसको बिल्कुल कीटर करेंगे एंड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व पे क्वेश्चन आते हैं ठीक है थीके? तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर पे आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट यहां पे आ जाता है ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी पे ठीक है और ऑफ़ कोर्स सप्लाई पे भी रेसिप्रोकल है एक दोनों के रेसिप्रोकल है ये इसलिए इन दोनों पे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे तो यहां पे इस में आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना है दिस चैप्टर विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ दिस चैप्टर विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ कंसेप्चुअल

चेंज कर सकता है थ्योरी को कोई चेंज नहीं कर सकता तो डजेंट मेक अ डिफरेंस और इस चैप्टर का एक क्रिटिकल पार्ट है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का एकदम क्रिटिकल पार्ट है फोकास्टिंग जो स्टूडेंट्स को काफी तकलीफ देता है नॉट टू वरी जो आपको तकलीफ देता है मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट उसके बाद चैप्टर नंबर थ्री थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट द The थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट इसके अंदर अगेन देर आर टू यूनिट्स थोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट ये किसी न किसी ने कुछ बनाना है तभी उसका डिमांड एंड सप्लाई होगा थ्योरी ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कैपिटल एंड इट्स इंट्रोडक्शन और ऑन्ट्रप्रोनरशिप इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे के वो क्वेश्चन बनाते हैं एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट पे न्यूमेरिकल्स पूछे 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 जाते number based questions पूछे जाते जाते हैं, 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 इसका भी हम कुछ questions का practice जरूर कर लेंगे, और right? so और अगर देखें, तो ये हम लोगों को superficially इस part पे question पूछे जाते और जो मेजरली ये लोग ध्यान देते हैं, हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे लॉ प्रोपोर्शन पे 100 परसेंट क्वेश्चन आता है और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का इकोनॉमीज टू स्केल और डिस इकोनॉमी टू स्केल पे जरूर सवाल पूछे जाते हैं तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थियोरी ऑफ कॉस्ट एक अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे सिलेबस का बन जाता है चौथा चैप्टर जो काफी कॉम्प्लेक्स माना जाता है चौथा चैप्टर मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट वो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं कि थोड़ा सा थोड़ा सा स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझना भी डिफिकल्ट होता है चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है कॉम्प्रेहेंसिबिलिटी

ग्राफ बना के फिर उसका सोल्यूशन निकालना पड़ता है जो थोड़ा सा थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है ये चार से पांच क्वेश्चन हमेशा देखे गए इस पार्ट में से चार से पांच क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखे गए सो गाइस पे हीट टू दिस इस पे भी हम लोग ज्यादा मेहनत कर लेंगे एंड प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट आउटपुट फॉर्म्स अगेन द क्वेश्चन ट्रिकी इन दिस पार्ट सो गाइस इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपको ग्राफ पहले खुद बनाना है और फिर उसका सोल्यूशन देना है ठीक है एकदम से स्टूडेंट्स डर जाते हैं उसमें कई अप्रोच सही हो तो कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट या इजी नहीं होता है हमेशा प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन निकलेगा ही फॉलोड बाय ठीक है बिजनेस साइकिल्स हर ओके okay, काफी बार इकोनॉमी जैसे भी कोविड की सिचुएशन में इकोनॉमी थोड़ी रिसेशनरी है कोविड को हम लोग अगर सक्सेसफुली ठीक है वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद सक्सेसफुली अगर हम लोग इससे बाहर निकल जाते हैं तो बिजनेस बूम पे चला जाएगा इट्स अ रिलेटिवली वेरी सिंपल चैप्टर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मैं कोई भी चीज सिंपल नहीं बोलूंगा रिलेटिव बेसिस पे दूसरे चैप्टर के कंपैरिजन के बेसिस पे ये बहुत ही आसान चैप्टर है इस चैप्टर में एक ग्राफ है मैंने इतनी क्लैरिटी में अभी ग्राफ में आपको बता नहीं सकता इस सेशन में एक ग्राफ है इसी के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमता है और जो पार्ट है जिसपे जो पार्ट है जिसपे वो लोग स्पेसिफिकली क्वेश्चंस बनाते हैं वो इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स और आईसीआई uh, ने काफी एग्जांपल्स दिए उसपे काफी ठीक है दिमाग लगा के वो लोग क्वेश्चंस बनाते हैं बट गाइस इस मेक अ डिफरेंस अगर आपका ये अगर आपका जीडीपी से कंपेयर करके एक्सेक्स पे टाइम और y एक्सिस पे जीडीपी अगर आप देख रहे होंगे आपकी आपकी इकोनॉमी का रियल जीडीपी ठीक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये ठीक है कम होता है ज्यादा होता है कम होता है ज्यादा होता है कम होता है ज्यादा होता है जैसे भी होता है इसकी सिचुएशनल एनालिसिस करके वो लोग ठीक है इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाती है इस ग्राफ की सिचुएशनल एनालिसिस करवा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेरी इजी रिलेटिव टर्म्स में अगेन सो गाइस बिजनेस इकोनॉमिक्स पांच चैप्टर पूरी जान लगा के पढ़ेंगे हम लोग रिविजन सेशन सिर्फ नाम के रिविजन सेशन लगेंगे आपको हम लोग ऑलमोस्ट हर चीज डेप्थ में पढ़ ही लेंगे अपने ट्वेंटी ट्वेंटी टू आवर्स के सेशन के अंदर ट फ्रॉम माइ एंड एज फार एज एज फार एज सी एंडेशन का इकोनॉमिक्स इज कंसर्न अगर मैं आपको बताऊं तो यह जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जी हां सी ए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स सिक्सटी मार्क्स का है सीए इंटर में ठीक है इकोनॉमिक्स फोर्टी टी मार्क्स का है एडवांस्ड इकोनॉमिक्स तो गाइस अगर हमने सीए फाउंडेशन लेवल पे आज इकोनॉमिक्स कम पढ़ा है तो हम लोगों को इंटर में हल्की सी दिक्कत हो जाएगी और याद रखिए हमें फाउंडेशन या, या इंटर एग्जाम पास करने के लिए नहीं आए हम लोग यहाँ चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए आए एज सिंपल एज दैट ओके गाइस इस चीज का इन सारी चीजों का ध्यान रखिए हमेशा हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो अप्लाइड है वो आपको नेक्स्ट लेवल पे यूज करना है वो आपको किसी के बिजनेस के लिए अपनी प्रैक्टिस में अपनी जॉब में यूज करना है इस परस्पेक्टिव से पढ़िए क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट इज वन स्टॉप शॉप सल्यूशन एक जगह आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड एक जगह आपको अकाउंट से रिलेटेड एक जगह आपको फाइनेंस से रिलेटेड एक जगह आपको कॉस्टिंग से रिलेटेड एक जगह आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सोल्यूशन मिल जाएगा सो so गाइज अगर आपने आज कंजूसी करी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में तो कल दिक्कत होगी याद रखना हाफ लर्न रिपीट इट्स सेल्फ यानी अगर आज कम पढ़ाई करी तो ये कहीं ना कहीं आगे इंटर में जाके या फाइनल में जाके फिर से पढ़ना पड़ेगा तो आज ही बेस सॉलिड करते हैं एंड लेट्स नॉट टेक एनी सब्जेक्ट फॉर ग्रांटेड राइट सो गाइज आई विश यू ऑल द बेस्ट हम लोग जल्द ही रिविजन सेशन स्टार्ट करेंगे एंड पावरफुल प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग इस सब्जेक्ट को इजी बना देंगे ऑल राइट सोज दैट्स इट फ्रॉम माई एंड दिस इज पवन गाउकर साइनिंग ऑफ फॉर द डे सी यू वेरी सुन होपफुली टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ सेल्फ एंड स्टडी वेल। वेल बाय